हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज मैं आप सभी के लिए एक नई मैनुअल लाया हूँ जिसका नाम है अपोकलिप्टिक थीफ। एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करूँ उससे पहले, जो लोग मेरे इस चैनल पे नए आए हैं, मैं उनसे कहता हूँ कि ये चैनल मेरा बैकअप चैनल है डीप एनिमे एक्सप्लेन का, और मैं मेरे मेन चैनल पे भी एक्सप्लेनेशन वाले वीडियोज ही डालता हूँ, तो आप मेरा चैनल चेक कर सकते हो, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में ही दी है। तो चलो एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाए जाते हैं कुछ बर्ड्स हवा में उड़ रहे होते हैं, और नीचे एक बैटल चल रहा होता है दो लोगों के बीच में, और एक बंदा हार जाता है और उसके मुंह से तो आप नीचे गिरता है जमीन पे, और कहता है कि मैं सरेंडर करता हूँ। और जो एक्चुअल में सरेंडर कर रहा होता है उसका लेवल एक्चुअल में 159 पे होता है, और हमारे हीरो का लेवल 200 पे होता है, और हमारे हीरो का नाम ज्यू ज़ेन है। और हमारा हीरो बाकी लोगों से पूछता है कि और कोई मेरे साथ बैटल करना चाहेगा क्या, और भीड़ में से एक लड़का बोलता है कि कोई 200 लेवल पे कैसे पहुंच गया। और उनमें से एक लड़की भी बोलती है कि इसके पास कितने अच्छे इक्विपमेंट्स हैं और वो कितना स्ट्रांग है, यहाँ पे जितने भी लोग हैं उससे भी ज्यादा स्ट्रांग दिख रहा है, और मैंने उसके बारे में कभी भी नहीं सुना था। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि हमारा जो हीरो होता है वो एक्चुअल में कंप्यूटर पे गेम खेल रहा होता है, और उसका जो प्लेयर होता है वो एक्चुअल में लेवल 200 पे होता है, और वो उन सभी से कहता है कि तुम लोगों को पता है कि मैं इस लेवल तक पहुंचने के लिए मैंने कितनी मेहनत की थी, और वो बता रहा होता है कि वो कैसे कैसे लेवल पे पहुंचा था। और हमारा हीरो कहता है कि मैं इस गेम के अंदर 5 सालों से छुपा हुआ था बस तुम लोगों को शॉक करने के लिए। और हमें गेम के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो कहता है कि तुम लोग मेरा नाम याद रखना, और जी वो आगे कुछ बोल ही रहा होता है कि तभी जो उसकी स्क्रीन होती है, मतलब उसकी जो गेम चल रही होती है, वो अचानक से अलग सा बिहेव करने लग जाती है, और वो अलग सी शक्ल बना के बोलता है कि ये अचानक से क्या हो गया, और कहता है कि ये नहीं हो सकता, इस मूवमेंट पे कोई ग्लिच आ गया। और तभी स्क्रीन दिखाई जाती है, उसके पर लिखा होता है कि तुम्हारा जो अकाउंट है उसे बैन कर दिया गया है क्योंकि तुम्हारे अकाउंट के अंदर कुछ चीटिंग के आइटम पाए गए। और वो एकदम गुस्से में अपना हाथ सीधा वो कंप्यूटर की डिस्प्ले पे मार देता है, और कहता है कि मैंने मेरे 5 साल पूरे वेस्ट किए इस गेम के पीछे सिर्फ लेवल 200 तक पहुंचने के लिए, और तुम कहते हो कि मैंने चीटिंग की है। और तभी ज्यू को एक बड़ा सा शॉक लग जाता है जो कि उस कंप्यूटर की डिस्प्ले से आ रहा होता है, और वो शॉक इतना खतरनाक होता है कि वो अपने सीधा चेयर पे जाके बैठ जाता है, और वो एक टाइप से बेहोश हो चुका होता है। पर वो अचानक से पीछे गिरता है जहाँ पे बहुत से वेपन्स होते हैं, और वेपन्स के लगने के कारण वो और नीचे गिर जाता है, और वहाँ पे और लोग होते हैं जिसने उसे फेंका होता है। उनमें से एक लड़का बोलता है कि लीडर का लड़का कितना कचरे की तरह है, और दूसरा लड़का कहता है कि जो भी हो वो बहुत लकी है कि उसने एक राइट फैमिली में बॉर्न लिया। और वो आदमी जोर से चिल्लाता है और कहता है कि खड़े हो जाओ, और कहता है कि तुमने मेरी बात सुनी नहीं, मैंने तुमसे कहा खड़े हो जाओ। वो थोड़ा सा खड़ा होता है, मतलब नीचे ही होता है फिलहाल तो भी, और कहता है कि मैं सपना देख रहा हूँ क्या, और वो थोड़ा खड़ा हो जाता है, और वो बहुत गुस्से में भी होता है एक्चुअल में। और जो आदमी जियो को खड़ा होने के लिए बोल रहा था वो एकदम डर जाता है, और कहता है कि भले ये कितना भी कमजोर क्यों ना हो पर इसने मेरे अटैक को बर्दाश्त कर लिया। और ज्यू अपने हाथ में एक तलवार लेके आगे बढ़ता है और कहता है कि मेरे सपने में तुम्हें मारना इलीगल तो नहीं होगा। और लड़का कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मुझे मारने के लिए आगे आओगे, और वो एक्चुअल में गुस्से में होता है, और वो भी अपनी स्वॉर्ड बाहर निकाल ही रहा होता है तभी एक लड़का बीच में आ जाता है, और वो ज्यू से कहता है कि यंग मास्टर आप रुक जाइए और चलिए मेरे साथ वापस चलते हैं। पर वो ज्यू को उसके कॉलर से घसीटते हुए लेके जाता है, और ज्यू बोलता है कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। और ज्यू को अपनी पास्ट की मेमोरीज याद हो रही होती है, और ज्यू उन सबको याद कर रहा होता है तभी उसे सर में एकदम दर्द हो जाता है, और ज्यू कहता है कि ये सपना नहीं हो सकता, और कहता है कि मैं इस वर्ल्ड में ट्रांसपोर्ट हो चुका हूँ, और अभी अभी मैंने इस बॉडी की मेमोरीज देख ली और मैं सब कुछ समझ चुका हूँ, ये वर्ल्ड भी बिल्कुल मेरी वर्ल्ड की तरह ही है, पर यहाँ पे 10 साल पहले एक फायर स्टॉर्म आया था जिसने सब कुछ खराब कर दिया था इस वर्ल्ड में, और तब से सारी चीजें चेंज हो चुकी थी और बहुत से लोग ज़ॉम्बीज बनने लग चुके थे, पर उनमें से कुछ लोग बच गए और वो अवेकन हो गए, और उनकी जो एबिलिटी होती है उसे कहते हैं स्टार पावर, और जिसके पास भी स्टार पावर होगी वो 1100 टाइम स्ट्रॉन्गर होगा एक नॉर्मल ह्यूमन से। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि जो मेरे फादर है वो एस रैंक के स्टार पावर प्रो है, और वो VCD के लीडर भी है। और अगले सीन में जियो एक बेड पे बैठा होता है और कहता है कि सिटी के लीडर के साथ मेरी लाइफ स्टार्ट होना कोई बुरी बात नहीं है, पर मैं इतना कमजोर क्यों हूँ कि मैं कल्टीवेट भी नहीं कर सकता। और वहाँ पे उसके डैड आते हैं और कहते हैं कि ज़ियो ज़ेंग मैं वापस आ गया। और दोस्तों एक्चुअल में जो ज़ियो नेम था वो उसका गेम के अंदर का नाम था, और ज़ियो एक्चुअल में उसका रियल नेम है। और ज़ियो अपने डैड को देख के बोलता है अपने मन में कि तो ये मेरे डैड हैं, क्या ये सच में एक प्रो है, क्योंकि ये बिल्कुल एक नॉर्मल इंसान की तरह ही दिखते हैं। और ज़ियो के डैड उसके पास आते हैं और उसके सर पे हाथ रखते हैं और कहते हैं कि मैंने सुना जो भी तुम्हारे साथ हुआ था, और तुम अंकल यो को ब्लेम मत करना क्योंकि वो भी तुम्हें स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। और ज़ियो के डैड कहते हैं कि चलो एक और बार ट्राई करते हैं तुम्हें अवेकन करके स्टार पावर बनाने के लिए, और वो कहते हैं कि मेरे इंस्ट्रक्शंस
को फॉलो करना, जाओ और अपनी जो स्टार पावर है उसे जनरेट करो। और जियो अपने मन में बोलता है कि मैं भले कल्टीवेट नहीं कर पा रहा हूँ पर मेरे फादर हेल्प कर रहे हैं मुझे कल्टीवेट करने के लिए। और वो अपने मन में बोलता है कि मैं पास्ट का जियो नहीं हूँ। और हमें 2 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जियो बोलता है कि मुझे अभी भी कोई भी स्टार पावर फील नहीं हो रही। और वो अपने डैड को सॉरी बोलता है और कहता है कि मुझे अभी भी कोई भी स्टार पावर फील नहीं हो रही। और उसके डैड कहते हैं कि कोई बात नहीं, परेशान मत हो। और कहते हैं कि भले तुम कल्टीवेट नहीं कर सकते पर जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तुम्हें कोई कुछ नहीं कर सकता। और उसके डैड वहाँ से जाते हैं और कहते हैं कि तुम जरा रेस्ट कर लो। और तभी जियो के सामने एक पैनल आ जाता है, उसमें लिखा होता है कि सिस्टम एक्टिवेट हो चुका है, तुम चाहते हो गेम के अंदर एंटर करने के लिए। और जियो जैसे पोजीशन में बैठा होता है वैसे ही सेम सामने उसकी पोजीशन में उसकी गेम में जो पिछली गेम में जो अवतार था वैसा ही सेम बंदा बैठा होता है। और जियो बोलता है कि ये मेरा थीफ वाला अकाउंट था, वो लेवल 200 वाला। और जियो अपना हाथ आगे बढ़ाता है और ये सिलेक्ट कर लेता है। तो दोस्तों आज का एपिसोड बस यही तक। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे फिर मिलूंगा इस सीरीज के अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय।